ये जो जगह है ये बेसिकली इस शहर को चार हिस्सों में तकसीम करते थे, यहाँ के चार दरवाजे थे और इसको वो डिवाइड करते थे पूरे शहर को। तो यहाँ के ऊपर इसके सारे जो आपको स्टेट नज़र आ रहे हैं ये सारे बेसिकली ये सैंड्स हैं और हर एक का ये तीन तीन स्टोरी में बना हुआ है यहाँ हर एक। ये जी पियासा दे ला वर्गोना, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका ऑफिस, यहाँ पे इसको कमूना कहते हैं, कमूना है। ये पियासा दे ला वर्गोना के पिछली साइड पे ये एक चर्च है ला मर्तोराना, ये काफ़ी फेमस है। ये भी ये सामने ये आपको चर्च नज़र आ रहा है, इसका नाम है जी ला मर्तोराना। यहाँ से ये नीचे ये दिशेजा विजू स्टोरी तो ज़ाहिर है हमने छोटे थे तब पढ़ी थी, यहाँ यहाँ सारी अरबों की हुकूमत थी, अरबी थे यहाँ पर और इन्होंने अरबियों को तो यहाँ से फिर निकाल दिया और यहाँ पर उन्होंने हर जगह चर्च चर्च हर जगह चर्च बना दिया। बस मैं पहुंच गया हूं इधर पियासा सांतोमेनिको चर्च जो कि हर जगह पे है और यहां से जो रास्ता है वो जाता है इसके अंदर वुच्चिरिया जो मैं कह रहा था, वो जो यहां की पलेर्मो की हिस्टोरिक मार्केट है। अब देखते हैं उसके अंदर क्या है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं और ये सोविनियर है।
डिजर्ट इस तरह ये फ्रूट आ गया फ्रूट वाली सब्जी फ्रूट उस तरह के तरबूज सामने बड़े बड़े तरबूज हैं बैंगन छोटे छोटे बड़े बेसिकली यही एक रोड है छोटी सी ये गली जो है उसके अंदर यही है लेकिन ये बहुत फेमस है यहाँ पे ला वुचिरिया के नाम से है तो क्या मैंने विज़िट किया इसका भी अब जो है कि हमारे खाने का भी टाइम हो गया तो जगह शुरू करते हैं जी हमारा लंच तो मिल गया लंच Thank you.